सितम गर ये गुर्बत क्या करे। लुकिंग गॉर्जियस, ये फूल तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन अब इन फूलों की खूबसूरती तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। सारी उम्र आपने काम की मसरूफियत की वजह से मेरी माँ को इग्नोर करते हुए, आज आपकी नर्सिंग स्टाफ मेरी माँ को एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रही है। बेटा, सईदा से ऐसी पहले गलती कभी नहीं हुई, वो ऐसी नहीं है, जिम्मेदार है। गलती तो हमारी है जो अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दी हमने। अच्छा, मैं मानता हूँ कि उससे गलती हो गई। अब आपके मानने से क्या होगा बाप साहब? फर्ज करें ये मेडिसिन अम्मी ले लेती तो क्या हो सकता था, इमेजिन कर सकते हैं आप? जाहिर है बहुत बड़ी गलती हुई उससे। बेटा देखो, अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी, सईदा भी और नईमा भी अपना खुद ख्याल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कैसा ख्याल रख रही थी अच्छी तरह से देख सकता हूँ। बेटा देखो, औरों से अच्छा काम कर रही थी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक दफ़ा मौका और देना चाहिए उसे। मजीद कोई मौका नहीं मिलेगा उसे बाप साहब। डैड ठीक कह रहे हैं बेटा, गलती तो आखिर उनकी भी है ना, जिन्होंने ऐसी एक्सपायर्ड दवाएं बेची हैं, उन्हें भी देख के बेचनी चाहिए थी। अम्मी, उसका वजूद में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जिस तरह पानी के लिए उसको बुला रही थी, या फिर वो मेडिसिन, उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए उसको मैंने सस्ते में छोड़ दिया। ये दो माह में तीसरी नर्स है जिनको निकाल रहे हैं, अब बताइए कहाँ से लेके आऊँ इतनी नर्सेस? मैं ढूंढ लूंगा, फिक्र ना करें। अच्छा तो ढूंढ लेना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। तो जब तक इंतजाम नहीं होता दूसरी नर्स का, कौन रखेगा ख्याल तुम्हारी वालदा? मैं हूँ ना, बस काफी। देखिए शहरूज मियाँ, जज्बात से काम लेने की जरूरत नहीं है। आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी वालदा को एक औरत की शदीद ज़रूरत है। ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अम्मी को ऐसी औरतों के हाल पे छोड़ दें। आपको ना से, लेकिन मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी बहुत अजीज है। अटेंडेंट ऐसी ही होती है बेटा, आसमान से तो नहीं उतरेगी तुम्हारी माँ की खिदमत करने के लिए। कोई ना कोई तो होगी ना जिसको अपनी सैलरी हलाल करना आती होगी। नहीं, मैं ऑफिस की टेंशन कम है कि ये अब मैं नर्सों को ढूंढता फिरूं। आप ही समझाइए ना इन्हें। अम्मी को टेंशन देने की जरूरत नहीं है, आप जाके अपने ऑफिस के काम संभाले ना। अम्मी की फिक्र करने के लिए मैं काफी हूँ, पहले ही अम्मी की सेहत आपकी मसरूफियत के भेंट चढ़ चुकी है। आज तक कौन सा काम छोड़ा आपने अम्मी की खातिर? और कोई इल्जाम लगाना है वो भी लगा दीजिए। मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ बाप साहब। वैसे आपको एहसास नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, कोई एहसास नहीं है। आप जाए वहां, प्लीज गो एंड रिलैक्स, मैं समझाती हूँ इन्हें। समझने समझाने की स्टेज से बहुत आगे निकल गए हैं, इंतहाई बदतमीज। सदफ, ये सुफियान कहाँ चला गया? कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। जाना कहाँ है? बड़ा तैयार श्यार होके गया है, गिफ्ट लेके गया आपकी नंद की तरफ। गिफ्ट लेके जैनब की तरफ? लेकिन क्यों? अरे भाई, उष्णा ने टॉप किया है, विश करना तो बनता है ना। हाय हाय, ये सारा चक्कर चल कब से रहा है? अरसा हो गया। और तुम मुझे ये सब कुछ अब बता रही हो? लो, मुझे क्या पता है कि आपके लाडले बेटे ने आपसे सब कुछ छुपा कर रखा है। वाह, मेरा बेटा वहाँ तोहफे लेके जाता रहा और वो माँ बेटियाँ तोहफे वसूल करती रही। ये जो सब मिलके खेल खेल रहे हैं ना, इसे मैं पूरा नहीं होने दूंगी। होने भी मत दीजिएगा, बहुत जहर लगती है मुझे उसने। क्या कम इंसल्ट होती है यूनिवर्सिटी में मेरी उसकी वजह से, जो मैं अब इसे भाभी के नाम से बर्दाश्त करूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी मैं। तुम जरा देखो इस सुफियान का मैं करती क्या हूं।
डॉक्टर साहब ठीक है ना? देखिए अभी वाजे तौर पे मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, हमने कुछ और टेस्ट दिए, एक दो रोज़ में उसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ही हम आपको कुछ वाजे तौर पे बता सकेंगे। लेकिन घबराने की तो कोई बात नहीं है। देखिए फिलहाल मैं आप लोगों को कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, जो दवाएं आपको दी हैं पेशेंट के लिए वो आप इनको खिलाएं, अगर आप चाहें तो पेशेंट को लेके जा सकते हैं, और आप ऐसा कीजिए कि जो मेडिसिन रह गई थी वो मज़ीद इनको लिख के दे दीजिए और इन्हें फाइल हैंड ओवर कर दें। शुक्रिया। ठीक है। बंद कर दिया। अगर अम्मी ने पूछ लिया तुम कहाँ हो तो क्या बताऊंगा। रफाकत को फोन करके कहती हूँ जरा अपने बेटे का पता करें। रफाकत भी फोन नहीं उठा रहे, तनी फोन क्यों रखते हैं जब इस्तेमाल नहीं करना होता है तो। अल्लाह करे बस टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो क्लियर आ जाए। भाई तुम सब लोग यहाँ पे खैर तो है? भाई जनाब खैरियत है? फुरकान कहाँ है? कान आ रहे थे, घर आ रहे थे, रास्ते में पता नहीं कोई चक्कर आया, उनको क्या हुआ है वो बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल लाए हम उनके पास आए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब खैर हो जाएगा, सब खैर हो जाएगा। है कहाँ फुरकान? कमरे में टेस्ट कराएं, डॉक्टर ने वो ही बताएगा कि क्या है। चलो आओ। नहीं आए आए चलो। फुरकान देखिए कौन आया है, भाई आए। फुरकान भाई साहब को भी जहमत दे दी तुम लोगों ने। कैसी बातें कर रहे हो यार? हैं जैनब ने मुझे कोई जहमत नहीं दी है, इनफैक्ट मैं यहाँ किसी की आयादत के लिए आया था तो इस सिलसिले में इन दोनों से मुलाकात हो गई मेरी। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने साथ क्या किया, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊँ भाई साहब, कुछ पता नहीं, घर आ रहा था, खबर ही नहीं हुई होश ने कब साथ छोड़ दिया। तो इसमें घबराने की क्या बात है, थकावट में अक्सर ऐसा हो जाता है, और डॉक्टर ने कहा था कि रिपोर्ट्स आने वाली है। You will be all right perfectly, huh? ये मेडिसिन है, आप स्टोर से ले लें और इनकी ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें ले जाइएगा। तो उसना मुझे स्लिप दे दो, मैं ले आता हूँ। नहीं इट्स ओके। ज़ैनब पैसों की जरूरत है, पैसे ले लो। नहीं नहीं भाई है मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, हॉस्पिटल का जो बिल है वो तो मुझे जमा कराने दो। भाई साहब आपने पूछ ही लिया है, काफ़ी है, प्लीज़ जहमत ना कीजिए। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। अच्छा ये ड्रिप ख़त्म होने वाली है, ड्रिप ख़त्म होती है ना तो तुम लोगों घर में ड्रॉप करूँगा, ठीक है? देखें गाड़ी है हमारे पास और सुफियान तो है ही साथ में। बहुत शुक्रिया भाई, आप फिक्र न करें हम चले जाएंगे। मैं डॉक्टर के पास से होके आता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है किसी किस्म की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। अब्बा जिंदा नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई तो सलामत है ना अभी? हूँ मेरे भाइयों को सलामत रखे। ओके ठीक है सुन आ रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। शुजात ये तुम्हारे भाई साहब हैं कहाँ, कब से फोन कर रही हूँ मैं उन्हें, फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। जब मैं ऑफिस से निकला था तो भाई साहब मीटिंग में बिजी थे, हो सकता अभी तक बिजी हो। कोई खास काम था आपको?
काम क्या होना है? सुफियान की तरफ से फिक्रमंद हो रही थी। पहले मेरा फोन नहीं उठा रहा था, अब फोन बंद आ रहा है। ना जाने कहाँ है ये लड़का। सुफियान जो है वो मेरे साथ ही है भाभी। मैं एक्चुअली किसी की इज्जत के लिए यहाँ पे आया था, तो सुफियान भी मुझे हॉस्पिटल में मिल गया। हॉस्पिटल में? सुफियान तो खैरियत से है ना? नहीं, सुफियान बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली फरकान की तबीयत खराब हो गई थी, तो सुफियान जो है उष्णा और जैनब को लेके हॉस्पिटल आया। अच्छा ठीक है। आप ले जाएं। तुम फिक्र मत करो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबा बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं, हमेशा बस हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें कभी अपनी फिक्र होती ही नहीं। हम लोग हैं ना, हम सब मिलकर उनका ख्याल रखते हैं। और मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू। मी आप? मैं यहाँ फरकान की बीमारी का सुन के हॉस्पिटल आई। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है भाई। सामने को मुमानजा। रहने दो ये दुनिया दिखावे के तौर तरीके, तरबियत तो एक नजर में ही पता चल जाती है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इसलिए। अच्छा, अंकल की तबीयत खराब हुई तो तुम फौरन मसीहा बन के दौड़े दौड़े चले आए। हाँ प्लीज, ये हॉस्पिटल है। सामने को भाभी आप यहाँ। भाई वाह जैनब, जरा सा फरकान को कुछ हुआ नहीं, तुमने तो पूरा खानदान इस हॉस्पिटल में इकट्ठा कर लिया। बीबी इसकी कोई बात नहीं भाभी, सुफियान तो हमारे साथ ही था और भाई तो मुझे यहाँ अचानक मिले। लगता है बेटी को भी पूरी तैयारी करा के लेकर आई हो। नहीं नहीं, इसे टॉप किया है ना, तो उसकी खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बाहर जा रहे थे कि अस्पताल से कॉल आ गई और फरकान के पास हम यहाँ आ गए। फरकान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, ठीक ना? मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। नहीं भाई ठीक है, हम चले जाएंगे। आई थिंक चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप प्लीज चले ना हमारे साथ। जैनब ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। तुम चलो मेरे साथ, मुझे जरूरी काम है। अच्छा जैनब मैं चलती हूँ, चलो। ठीक है, और कार की खबर मुझे देती रहना। ठीक है भाई, शुक्रिया। आपको इस तरह वहां से मेरा हाथ पकड़ के लाने की क्या जरूरत थी? क्या सोच रही होंगी फुप्पू? जिसने जो सोचना है वो सोचे। तुम बस मुझे इस बात का जवाब दो, तुम मुश्ना के साथ क्या कर रहे थे? उसे हौसला दे रहा था, और क्या कर रहा था? उसके बाबा एडमिट हैं, इतनी सीरियस कंडीशन में। अच्छा, तो किससे पूछ के हौसला दे रहे थे उसे? पूछने की क्या जरूरत है, कजन है वो मेरी, और ऐसे वक्त में हम उनका सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? पहले माँ बाप का सहारा तो बन जाओ, और जब बन जाओगे ना तब भी अपनी फुप्पो और उसकी बेटी का सहारा बनने का तो सोचना भी मत। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह रिएक्ट कर रही हैं। क्या किया? तुम उस जैनब के घर गए क्यों तोहफा लेके? इतना सा राज नहीं रखा गया ना तुमसे? उससे क्या बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे। देखो सुफियान, जो कुछ हो गया है ना उसे मैं दरगुजर करती हूँ, घड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगी, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर तुम अपनी फुप्पो या उसकी बेटी के आसपास भी नजर आए ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीख। देख रही हो बेटा, माँ बाप के लिए आज तक एक दवा तो लाई नहीं गई और फुप्पो और उसकी बेटी को हॉस्पिटल में दिलासे दे रहे हैं। वैसे अम्मी आपने बिल्कुल ठीक किया, अस्पताल जाके दोनों माँ बेटी को बता दिया कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। और नहीं तो क्या, खूब अच्छे तरीके से समझा के आई हूँ दोनों माँ बेटियों को, हक्का पक्का रह गई थी। आई बड़ी मेरे बेटे के ख्वाब देख रही है। भाभी ये मैं क्या सुन रही हूँ? छुप छुप के लोगों की बातें सुनने की पुरानी आदत नहीं गई तुम्हारी? मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, आपकी किसी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगी, आखिर मैं भी बेटे की माँ हूँ, आपका दुख समझ सकती हूँ। पूछना ये था कि वो सुफियान हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था मतलब? अपनी गरीब फुप्पो को और उसकी बेटी को लेके गया था हॉस्पिटल। कम से कम मेरा बेटा तो जानता है ना रिश्ते निभाना। अब आप बात बदल रही हैं देखे भाभी। कोई बात नहीं, मैंने सुना आप सुफियान से कह रही थी कि जैनब और उसकी बेटी से मिलने की कोई ज़रूरत है। पता है आपकी सारी ये बातें सुनकर ना मुझे बहुत डर लगने लगता है भाभी, कहीं सुफियान उष्णा पे अड़ तो नहीं जाएगा? ऐसे कैसे अड़ जाएगा, अभी मैं जिंदा हूँ और अल्लाह ना करे इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे बेटे के कि उस चुड़ैल की बेटी को अपनी बहू बना के ले आऊंगी मैं। इकलौता बेटा है मेरा, मेरे अकलौते बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है, एक ढूंढने निकलूंगी ना तो हजारों उम्मीदवार आ जाएंगी। वही तो मैं भी कह रही थी, इकलौते बेटे की माँ हूँ, यही सोचती रहती। और अब तो मैंने फैसला कर लिया, आप देखिएगा ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि देखने वाले जल जाएंगे। बस आराम करें, लेट जाएं। तुम दोनों ने तो मरीज बना कर रख दिया है मुझे। अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ठीक ही रहना है आपको। आपको पता है एक ही पल में जान निकल गई थी हमारी आपकी बेहोशी का सुनकर। शुक्र है आप बखैरियत लौट आए। सोच रही थी अगर खुदा ना खास्ता बेहोशी की कैफियत में आप गाड़ी चलाते तो कहीं कोई हादसा, मैं सुबह सदका दूंगी, मैं तो डर गई थी। ना हक परेशान हो रहे हैं आप दोनों। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, हमारा तो कोई और है भी नहीं आपके अलावा। अरे 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 इसमें इतनी रोने वाली सूरत बनाने की क्या जरूरत है, मैंने कहा ना बिल्कुल ठीक हूँ। उषा ठीक कह रही है बिल्कुल, आपके अलावा हमारा है कौन, हमारा सब कुछ आप हैं, हमारी दुनिया आपसे। इतनी उदासी वाली बातें करके मेरी बेटी को रुला दिया ना, अब लड़ाई हो जाएगी हमारी। पता है ना मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हर वक्त बस हमारे बारे में सोचते रहते हैं। अरे क्या हो गया बेटा, मैं ठीक हूँ। आज के बाद ना आप अपनी सेहत को लेकर कोई बेएहतियाती नहीं करेंगे बस। अच्छा भाई मैं अब से रखूंगा ना, और फिर तुम दोनों जो हो हर घड़ी मेरा ख्याल रखने के लिए। चलो बाबा के लिए अच्छी सी यकीन बनाओ और दवाई खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? आ जाओ, आप लेट जाएं, आराम करें। क्या दिया डॉक्टर तुम्हें? जो हुक्म। है मिजाज बड़े भरम नजर आ रहे हैं। बरहम है तो बरहम ही नजर आए। वजह पूछ सकता हूँ? ना पूछो तो बेहतर है। बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मसला क्या है? तुमने चची जान से हम दोनों की बात की या नहीं? नहीं। तो कब करोगे? कर लूंगा, उसमें मुश्किल ही क्या है, हम एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। एक घर में रहने और एक दूसरे को जानने से मसले मसाइल हल होते तो किसी को कोई मसला इधर पेश नहीं आता ना। इतने गुस्से में क्यों हो,
कोई बात हुई है? तुम्हारी अम्मी जब दिल चाहता है बड़े फकर से कहती है, मैं अपनी बहू तो ऐसी लाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी, मतलब घर में बैठी भतीजी पर तो नजर है ही नहीं, और मैं पागल उनकी बहू बनने के ख्वाब देख रही हूँ। तो मूड ऑफ होने की ये वजह है, और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तुम्हारे लिए ये कोई इशू नहीं यार। इशू है, लेकिन तुम तो जानती हो मामा की नेचर को, ताईजन और मामा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, सिवाय फुप्पो के मसले पे एक होने के, हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाती आई है दोनों। लेकिन इस खेल में सिर्फ नुकसान तो मेरा ही होगा ना। क्यों होगा तुम्हारा नुकसान, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, मामा जो कह रही है उन्हें कहने दो, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा, और मामा को मेरी बात माननी पड़ेगी। चाहूँ तो मामा से आज ही बात कर लूँ, लेकिन कबल अजत बात करके गवाने वाली बात है, मौका खुद ही आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्लान धरा का धरा रह जाए और चची जान कोई हूर पर ही ले आए। अच्छा बाबा सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। तुम मामा की बहू बनने के ख्वाब देख रही हो, पर ये ख्वाब तो मैंने ही इन आंखों को दिए हैं ना, मुझ पर भरोसा रखो, ये ख्वाब टूटने नहीं दूंगा। और मामा की वजह से तुम हर्ट हुई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा इट्स ओके, अब आप ही चलो। मैंने भी बात की थी शुजात से, मगर ने चीखने लगे। अरे भाई अब कौन समझाए कि ये बंटवारा जैनब को हिस्सा ना देने के लिए किया जा रहा है। हॉस्पिटल में सैनब और उष्णा भी मिले थे। वो फुरकान जो है वो क्या मतलब है? फुरकान क्या हुआ? फुरकान फुरकान कहीं जा रहा था तो रस्ते में बेहोश हो गया, और उसकी बेहोशी की इत्तला भी जैनब को फोन पे मिली है। लो बेटी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, और बाप को ना जाने दिल पे क्या सदमा लगा कि रोड पे ही गिर पड़े। ये क्या है, ये कामयाबी के झंडे से क्या मुराद है तुम्हारी? आपकी भांजी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें कोई तोहफा भिजवा देना चाहिए था उसको। पहुंच गया है तोहफा, आप तसल्ली रखें। बेटा पानी दो भाई को। ये बताओ कि फुरकान सीरियस तो नहीं है? एक दो दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी भाई साहब, को पता चलेगा कि क्या बात है, क्या डायग्नोस होता है। यार देखो जब तुम वहाँ हॉस्पिटल चले गए थे तो कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं, अस्पताल में 100 ज़रूरतें होती हैं। भाई साहब मैंने उसको पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन आपको जैनब की नेचर का पता है कि वो कितने खुददार है, तो पैसे नहीं लिए उससे। हाँ अब्बा के इंतकाल के बाद से हमने भी उससे मिलना कम कर दिया, वो भी नहीं हमसे मिलना चाहती थी, पता नहीं क्या हो गया। क्या ख्याल है किसी दिन खाने पे बुला लें उसे? नहीं भाई। हाय अल्लाह, खाने पे बुलाने की क्या जरूरत है? अल्लाह अल्लाह करके तो उनसे जान छूटी है हमारी। भाई अपने दरवाजे ना उसके लिए मत खोले हम दोबारा। हाँ भाई साहब, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखे ना अब वो घर आना जाना शुरू करेंगी तो कहीं जायदाद का तकाजा ना कर लेना, क्योंकि जायदाद तो आप दोनों भाइयों के नाम अब्बा करके मरे थे। नहीं अब्बा जान, जायदाद हम तीनों ही के नाम करना चाहते थे, वो खुद ही इनकारी थी, मना कर दिया था उसने सख्ती से कि मैं एक रुपया भी नहीं लूंगी। ये गुजरे वक्तों की बात है रफाकत साहब, उसके बाद बहुत सारे मौसम आए और गए, क्या मालूम अब जैनब का दिल बदल गया हो और आ जाए वो जायदाद की दावेदार बन के फिर से। वही तो, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, नियतों का कुछ पता थोड़ी चलता है कब बदल जाए, ऐसा चीज ही ऐसी है ना भाई साहब। नहीं वो ऐसी नहीं है। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैनब को अगर जायदाद का लालच होता तो बहुत पहले अपना हिस्सा मांग चुकी होती, सफेदपोशी की जिंदगी बसर ना कर रही होती। अल्लाह बचाए ऐसी सफेदपोशी से, बेटी को तो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है जहाँ हमारी बेटी पढ़ती है, इतनी महंगी वाली।
कुर्बान जाऊं मैं ऐसी सफेद पोशी के? तो माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा ही लेते हैं, सो वो भी पढ़ा रही है, लेकिन कम से कम टॉप तो कर रही है उनकी बेटी। तुम्हारी बेटी ऐशो इशरत की जिंदगी में रहती है और क्या रिजल्ट्स लेके आती है? अच्छा, अब अपनी भांजी के लिए आपको मेरी बेटी में कीड़े नजर आ रहे हैं? अरे भाई, मैं कोई कीड़े नहीं निकाल रहा, एक बात कह रहा था, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो हाथ धो के। भाई नहीं बुलाना खाने पे, मत बुलाओ उसे, हमें तो सुकून से खाने दो। बाय। शहरूज जी, अम्मी कुछ चाहिए? नहीं, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं अभी तक? आप आराम से सो जाएं, मैं भी सो जाऊंगा। क्यों खुद को बेआराम कर रहे हैं? जाएं जाके सो जाएं अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में जाके सो जाऊं, और आप जरा जरा सी चीजों के लिए लोगों का इंतजार करें। होने वाली बात थी, हो गई बेटे। और मेरी कौन सी तबीयत खराब है? चाहे आप जाके आराम करें। माँ के लिए कौन सी बेआरामी है? आप सो जाएं, मैं अभी यहीं सो रहा हूँ। अच्छा यूं करें, रशीदा को भेज दें मेरे पास, कल आपके डैड सईदा को वापस बुला लेंगे जब तक कि नई नर्स नहीं मिल जाती। सईदा वापस नहीं आएगी, अगर वो वापस आई तो अच्छा नहीं होगा। अब रशीदा को मैंने सोने के लिए भेज दिया। आप सो जाए ना सुकून से, मैं भी सोचूंगा। मेरी माजूरी ने आप सबको कितनी मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल भी नहीं, जब बचपन में सारी सारी रात जागता था या मेरी तबीयत खराब होती थी तो अभी तो सारी रात जागती थी ना। मैं चाहूं बिना तो आपकी जागी हुई एक रात का भी बदला पूरा नहीं कर सकता। सोचती हूँ वो भी क्या दिन थे जब मैं अपने पैरों पे खड़ी थी, सब काम खुद करती थी। परेशान ना हो, मैंने एक डॉक्टर ढूंढे यूरोप में, मैं बहुत जल्द आपको उसके पास लेके जाऊंगा। उसने बहुत उम्मीद दिलाई है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सब दिल बहलाने की बातें बेटा, कुछ भी नहीं होगा। मेरी माँ होके इतनी ना उम्मीदी वाली बात है? बाबा की अचानक तबीयत खराब ने हमें वहमी सा बना दिया है। अगर बाबा को कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं, बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए, बाबा तो हमारा सहारा है। मुझे और मामा को बाबा के बगैर तो जीना ही नहीं आता। अल्लाह करे बाबा की सारी रिपोर्ट्स क्लियर हों। कहिए, बेइज्जती करने में मोमानी ने कोई कसर छोड़ दी थी जो अब आपने कॉल की है? मैं मामा के रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा? कहिए, कैसे कॉल की? वो मैंने सोचा कि अंकल की तबीयत का पता कर लो और साथ ही मामा के रवैये के लिए माजरत भी कर लो। मोमानी के रवैये के लिए एक्सक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं, उनका रवैया मेरे लिए कोई नया तो नहीं था। वो अंकल की तबीयत कैसी है? बेहतर है, सो रहे हैं। मैं आऊंगा अब उनसे मिलने। लेकिन मोमानी? तुम उनकी फिक्र मत करो। हुस्ना जी, वो गिफ्ट कैसा लगा? गिफ्ट? ओ, I'm so sorry. वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गई। It's okay. मैं अभी देखती हूँ। देख लो, लेकिन देखने के बाद बताना जरूर कि कैसा लगा। जी।
शेरोज मियाँ, मैंने कई खवातीन नर्सेज से बात की है, जल्दी नर्स का इंतजाम हो जाएगा। ओके, आप जहमत ना करें बाप साहब, अम्मी के लिए किसको रखना है किसको नहीं रखना है इसका इंतखाब मैं करूँगा, आप नहीं। क्या मतलब, आप क्या समझते हैं मैं इंतखाब गलत करता हूँ? जो आपको बेहतर लगे वो समझ लें। अरे भाई, मुलाजमीन नहीं है काम करने के लिए, आप क्यों काम करेंगे? मुलाजिम इन सब चीज़ों के पैसे लेते हैं बाप साहब, जबकि मैं ये सब चीज़ें मोहब्बत में करता हूँ। खैर, आपको क्या एहसास, जिसकी सारी ज़िंदगी 2+2 में गुजरी है उसको अकेले रह जाने वाले सफ़र की क्या फिक्र? क्या कहना चाह रहे हो? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी अम्मी इस टेबल को सजाए सारी उम्र आपके इंतज़ार में बैठी रहती थी, वो भी भूखी, मगर आप अपने कारोबार में मसरूफ़ होते थे। अब देख लें, आप यहाँ अकेले बैठ के खाना खा रहे हैं, ये होता है अल्लाह का इंसाफ। अपने घर वालों के लिए कमाई किया करता था, कोई आशी नहीं करता था। तो एंजॉय करें ना अपनी तन्हाई को, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? भाभी, क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है? अरे खाक ठीक है, पहले खाने की मेज पे झिकझिक, फिर कमरे में जाके बहस, दर्द से सर फटा जा रहा है मेरा तो। बहुत बुरी बात है। पता है भाभी, मर्द ना वैसे तो ठीक रहते हैं, लेकिन जहाँ इनकी अम्मी या इनकी बहन के बारे में कोई बात करो ना तो बस आंखें सर पे रख लेते हैं। मैं तो शिजात पे बहुत चीखी कि भाई अगर अस्पताल में बहन नजर आ भी गई थी तो क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की, पूरी दुनिया से हमदर्दियां बटोरे भाई क्यों? इस ज़ैनब की ना हमेशा से आदत थी सबकी तवज्जो अपनी तरफ करने की। तुम तो बाद में आई ना इस घर में शादी होके, मैं तो पहले से थी। मैं नाज क्या बताऊं, मैंने खूब ड्रामे देखे सबके। हाय अल्लाह, सच बात है? और नहीं तो क्या, ज़ैनब को जरा सी छींक आ जाती थी तो हमारे सास ससुर तुम्हारे मियाँ और मेरे मियाँ मिलके पूरे घर को सर पे उठा लेते थे। क्या हाय हमारी बहन ज़ैनब को छींक क्यों आ गई, यकीनन बर्फ वाला पानी पिला दिया होगा किसी ने। अल्लाह की पना, क्या वक्त था वो भी। सही कह रही हैं भाभी, वैसे अभी भी कुछ कम तो नहीं हुआ है जिगर में दर्द बहन के लिए। देखे ना, भाई साहब ने आपके सर में दर्द कर दिया और इन्होंने तो बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। भाभी, मैं क्या कह रही थी कि वो जल्द से जल्द ना जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं। पता क्या, कल को अगर ज़ैनब खड़ी होगी ना हमारे सर पे कोई ड्रामा करने तो मुंह की खाएगी। यही बात समझाते समझाते तो मेरे सर में दर्द हो गया, लेकिन मजाल है जो रफाकत को मेरी बात समझ में आ जाए। वही मुर्गे की एक टांग, मेरी बहन ऐसी नहीं है। हाँ, इनकी बहन तो आसमान से डायरेक्ट अपनी है। वही तो, मैंने भी बात की थी शुजात से मगर नहीं, चीखने लगे। कहते हैं कि ये सारी जायदाद दोनों भाइयों की है और बंटवारा नहीं होगा। अरे भाई, अब कौन समझाए कि ये बंटवारा ज़ैनब को हिस्सा ना देने के लिए किया जा रहा है, वरना हमें क्या, हम तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं इस घर में मिलजुल कर रह रहे हैं।
है ना? और नहीं तो क्या? वो आपके सर में दर्द हो रहा है भाभी, अच्छी सी चाय बना के लाऊं, साथ में गोली भी लाती हूँ। अरे रहने दो, खा ली है मैंने गोली, तुम्हारे हाथ से जहर। मेरा मतलब है चाय पीने का भी मूड नहीं। किचन में देखती हूँ क्या हो रहा है। मैं जरा मोहब्बतें ऐसी जिताती हैं जैसे बहुत सगी हैं मेरी। कहाँ? काम पर। और कहाँ? काम पे। की तबीयत खराब है, दो तीन दिन आराम कर ले फिर चले जाना काम पे। मैं ठीक हूँ भाई, दो तीन दिन देखो बहुत ज्यादा होते हैं, और वैसे भी मैं तुम माँ बेटी के नुस्खों से मैं तंग आ चुका हूँ। काम पे जाने दे, मैं खुली फिजा में पुरसुकून रहूंगा। हमसे तो तंग आ गए, नाश्ता तो कर ले। बाहर कर लूंगा भाई। वो भी बाहर? देखो काम पे जा रहे हैं और नाश्ता भी नहीं कर रहे, अब तुम ही कुछ करो। कहाँ? काम पे। क्यों? ये कैसा सवाल है? मैंने सुबह सुबह उठ के अपनी यूनिवर्सिटी बंक करके अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया और आप काम पर जा रहे हैं। तो काम भी तो जरूरी है ना बेटा। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सेहत भी जरूरी है। ठीक हो जाए फिर चले जाए काम पर। अरे इसमें तो बहुत दिन लग सकते हैं। तो जल्दी ठीक हो ना। मैं ठीक तो हूँ। नहीं ठीक नहीं है आप, चलें बैठे चुपचाप। चुपचाप अब नाश्ता करें, बल्कि ऐसे नहीं। ममा। हाँ। ये आप जरा बाबा को अपने सामने बिठा कर खुद नाश्ता करवाएं। देखें यहाँ से हिले ना, मैं इनके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके। माँ से कम नहीं है भैया, अम्मा जी के बाद मुझे इसी से ही डर लगता है। शुक्र है आपको किसी से डर लगता है और आप इसकी मान भी लेते हैं, वरना मेरी क्या बात, मैं तो कहती रह जाती और आप चले जाते। अब प्लीज नाश्ता करें। खाते हैं भाई खाते हैं। जो क्लियर चाहिए मुझे फौरन। क्या अब शेरोज आया? नहीं आया। अच्छा बाकी फाइल्स लेके आओ जल्दी से। हेलो। हाँ जुनैशा बोलो। हाय, तुम ऑफिस नहीं आए हो? मैं लंच ब्रेक के बाद आऊंगा, तुम बताओ कोई खास बात है? क्या कर रहे हो? क्या? पहले इसको तो बंद करो। हाँ हाँ ऑलमोस्ट डन। थैंक गॉड। अब बताओ क्या कह रही थी तुम? हाँ मैं कहना ये चाहती थी कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। जी नहीं, एडवांस में विशेस की आदी नहीं हूँ मैं, उसके लिए कल तुम्हें आना पड़ेगा और फिर एक्सेप्ट करूंगी मैं। बहुत अच्छे। कौन? मैं? नहीं, मैंने जूस बनाया था उसकी तारीफ कर रहा था। कल आ रहे हो ना? मैं वेट करूंगी तुम्हारा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स आऊंगा मैं। तो मेरे स्पेशल गेस्ट बाबा से भी मिलवाना है तुम्हें। पहुंच जाऊंगा, मम्मी को अच्छा लगेगा। ओके बाय। सितम गर ये कुर्बत क्या